दोस्तों हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आपके साथ पाई के ऊपर एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो होगा सिक्योरिटी सर्कल के ऊपर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये कामकाज करता है, इसका क्या रोल है, फर्दर आपको कहां दिक्कत आ सकती है अगर आपका सिक्योरिटी सर्कल ताकतवर नहीं है तो, और अगर आप कोई भी ऐसा कोड यूज कर देते हो जो कल को अपनी माइनिंग बंद कर सके, या आपका जिसका कोड आपने यूज किया है कल को वो अपनी माइनिंग बंद कर दे, या उसका अकाउंट वेरीफाई ना हो, तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आप पहले से पाई की माइनिंग कर रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। मेरे नए दोस्तों बिल्कुल भी इसको दौड़ दौड़ के मत देखें। देखिए घोड़ा जो दौड़ता है ना रेस में, वो जो दौड़ता है जीतता कौन है, जो सबसे तेज सबसे फास्ट अपने दिमाग लगा के दौड़ता है। और उसमें कई ऐसे होते हैं जो आस्ता आस्ता दौड़ते हैं लेकिन दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो कभी जीत नहीं पाते, फास्ट दौड़ने वाला जीतता है। लेकिन यहां पे क्या है, जब हम वीडियो देखते हैं फिल्म देखते हैं तो उसका सारा फायदा उठाने के लिए हमें दौड़ दौड़ के नहीं देखना, क्योंकि हमने रेस नहीं जीतनी, हम अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसमें अपना टाइम लगाना है, एनर्जी लगानी है, एफर्ट लगानी है। 11 मिनट 12 मिनट का वीडियो आप दौड़ दौड़ के देखते हो 4 मिनट में 5 मिनट में, आपको कभी फायदा नहीं होगा। तसल्ली से देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, पांच बार देखिए, देखिए कहना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। यूएसए में एक सबसे बड़ी बात क्या है, वो कंट्री ने इतनी तरक्की कैसे की हुई है, क्योंकि वहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं। वहां जो अमीर आदमी है वो कहता है कि अगर मेरा पड़ोसी अमीर नहीं होगा तो मेरे को इससे दिक्कत होगी। लोग बोलेंगे पता नहीं किस इन्वायरमेंट में रहता है कि इसका पड़ोसी अमीर नहीं है। यही मेंटालिटी हम सबको लेने लेके आगे चलना पड़ेगा, तभी इंडिया महान बनेगा। मेरी दिल से कोशिश है कि आप सब जो है ज्यादा से ज्यादा पाई के बारे में सीखो, माइनिंग करो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, कहां क्या हो सकता है। ऐसा तो नहीं है आप लोग मेहनत कर रहे हो और आपको रिवार्ड ही ना मिले, कल को कोई दिक्कत आ जाए। क्योंकि सरकारी दफ्तर में भी क्या होता है, वो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं हाजिर सरकारी नौकरी की, और अल्टीमेटली क्या होता है, 5 डॉक्यूमेंट होते हैं। जब वो 5 डॉक्यूमेंट लेके आप जाते हो तो होता क्या, उन 5 डॉक्यूमेंट में 500 गलतियां होती हैं। तो जब आप दौड़ दौड़ के वीडियो देखोगे ना, वो 500 गलतियां कर रहे हो, जो अल्टीमेटली इतनी मेहनत करने के बाद जब रिवार्ड का वक्त आएगा शायद तब आप में क्या हो जाए, कुछ ऐसी गलती निकल जाए कि आप तब गलती दूर भी ना कर सको। इसीलिए आपको ये वीडियो जो है, मैं कोई भी पोस्ट कर देता हूं 10 मिनट 15 मिनट, मैं कोशिश करता हूं 10-15 मिनट से ज्यादा ना हो, वो पूरा देखो, दौड़ के मत देखो। तो अब आपके साथ मैं आज सिक्योरिटी सर्कल डिस्कस कर देता हूं, आप एक बार पूरा वीडियो देखना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको जरूर इससे फायदा होगा। अब आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे वह दोस्त जो पाई कॉइन की माइनिंग में लगे हुए हैं, मैं सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वह डेली टाइम निकाल रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को एंगेज कर रहे हैं, मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनका प्यार बहुत मिल रहा है, ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूं। इतना प्यार मिल रहा है कि मैं खुश होता हूं जब उनके सवाल देखता हूं, फिर जहां मुझे रिसर्च की जरूरत पड़ती वहां मैं रिसर्च कर देता हूं। आपको मैं बता दूं कि क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने LLB की हुई है, तो मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आती आपका सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। कहीं ना कहीं जो है मैं अपना कानूनी दिमाग भी लगाता हूं कि अगर कल को ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, वैसा होगा तो क्या हो सकता है। तो आप बेफिक्र होके जो है इसकी माइनिंग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जितना आप वीडियो को देखते हो, एंगेजमेंट करते हो, वो सब आपका जो है प्यार है। मेरे दोस्त हैं एक नरेश शर्मा, जो है मैं काफी देर से वॉच कर रहा हूं उनको, पिछले एक दो वीडियो से। पहला लाइक भी उनका होता है और पहला जो है शेयर भी उनका होता है और पहला वॉच भी उनका होता है, कमेंट भी उनका होता है। तो नरेश जी मैं आपका दिल से जो है बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूं। दोस्तों अब आपके साथ आज मैं डिस्कस क्या करने आया हूं, क्योंकि कल मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आप जो है रोज
एक ही वीडियो बार बार रिपीट करते हो, तो मैं उनको और आप सबको बोल देता हूं, मैं एक वीडियो रिपीट नहीं करता। अगर आप मेरा जो वो वीडियो देखते हो उसमें देखोगे, आपको हर दिन एक नई बात समझ में आएगी। रीजन ऐसा है क्योंकि हम सब लोग जो है पाई कॉइन की माइनिंग में लगे हैं, करोड़ों लोग जो है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, तकरीबन 60 लाख लोग हो चुके हैं, 40 लाख लोगों के लिए वैकेंसी है। अब वो वैकेंसी आप लोग भरना चाहते हो नहीं भरना चाहते हो ये आपके हाथ में है, लेकिन मेरे हाथ में जो है, मेरे हाथ में है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करूं। उसका रीजन क्या है, कहते हैं कि पैसा जो है मनी ये आसानी से नहीं आती। जो लोग सोचते हैं ना कि पैसा आसानी से आता है, पैसा आसानी से नहीं आता। उसके लिए मैं आपसे कुछ चार लाइनें भी डिस्कस करना चाहता हूं। वो लाइनें क्या हैं कि पैसे का ना कोई रूप है ना कोई पैसे का रंग है। पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पैसा कमाने के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा भी लगता है। कोई ऐसा क्विक तरीका नहीं है कि आप जो है जल्दी अमीर बन जाओ, कोई इसके लिए क्विक मतलब कोई बहुत आसान या क्विक तरीका नहीं है, और ना ही पैसा बनाना इजी है। अगर ये इतना ही इजी होता तो सारी दुनिया पैसा बना रही होती। बिल्कुल हम लोग सब पाई की माइनिंग में लगे हैं, लेकिन मेरे कोई दोस्त क्या है वो ये जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जल्दी कब होगा, ये ऐसा कब होगा। वो चाहते हैं कि आज उन्होंने माइनिंग स्टार्ट की, कल उनको जो है इसका रिवार्ड मिल जाए। तो दोस्तों इसमें आपको टाइम लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो भी आपके साथ बोल रहा है वो आपको गलत गाइड करेगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना चेहरा सामने ला के आपको गाइड कर रहा हूं। बड़े कम जगह आप देखोगे कि चेहरा सामने आता है, फ्लैशबैक में वो बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ हुआ नहीं भी हुआ तो हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। तो मैं अपना इसीलिए आपका चेहरा देता हूं क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सको, मुझ पर विश्वास कर सको कि एक जेन्युइन पर्सन जो है आपको अगर गाइड कर रहा है तो वो गलत गाइड नहीं करेगा। बाकी हमारी किस्मत रही, कंपनी अगर कल को डूब गई, कुछ हो गया, तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में जीरो है। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार कहा है कि मुझे विश्वास है कंपनी काम करेगी, तो इसीलिए जो है मैं खुद लगाऊं, मेरी पूरी फैमिली लगी है, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी सर्कल आपको तैयार करना होता है। अब आप समझिए मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, सिक्योरिटी सर्कल आपको तैयार करना है। ये सिक्योरिटी सर्कल क्या है, लोग क्या कर रहे हैं कि कोड यूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, किसी का भी नाम भर देते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं कि सुशांत बख्शी कैपिटल में यूज करो, ये कोड समाल में यूज करो, स्क्रीन पे कोड आ रहा है, इनविटेशन कोड आपको जरूरी चाहिए जिसको रेफरल कोड भी कहते हो। मेरे को लोग बाद में मैसेज कर देते हैं, सर हमने जो है वो छोटा कर दिया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आप पता नहीं किसके नीचे प्लेस हो गए हो। और अब आप ये स्क्रीन पे देखो, मैं आपके लिए स्पेशल स्नैपशॉट लाया हूं, ये है छिंचुंग कुंग, ये किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, माय इनवाइटर हु इनवाइटेड मी, कि जिनका रेफरल कोड इन्होंने यूज किया, ही शी आल्सो नॉट वेरीफाइड येट, इन्होंने अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं किया, ड्यू टू हिज रीजन, मतलब गलती उसकी है जिसने इनको इनवाइट किया, इनके भी कॉइन लॉक हो गए और इन्होंने जितनी मेहनत की थी वो सब जो है ठंडे बस्ते में मिट्टी में चली गई। मैं बार बार कहता हूं आपको कि उस आदमी को आप अपना उसका सिक्योरिटी सर्कल उसका कोड यूज करो जो खुद कर रहा हो, जिसपे आपको ट्रस्ट है। तभी मैं कहता हूं मेरा चेहरा है आपके सामने है, मैं अगर जो भी कोड यूज करूंगा मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज कर देता हूं, मैं कोशिश कर देता हूं सारे पैरामीटर जो है वो पूरे हों ताकि कल को आपको दिक्कत ना आए। मेरे को तो दिक्कत आ ही सकती है, कल को मैंने माइनिंग बंद कर दी आपकी दिक्कत आपको दिक्कत आ जाएगी, कल को मेरे वेरीफाई नहीं हुए आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि इसके ऊपर मैं एक अलग से आपके साथ वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं, वो आप देखिए, ये एक सज्जन है जिन्होंने, आप एक बार इनका देखोगे इनका रोल क्या है, आप तस्वीर देखिए, पाइनियर मतलब एक सिंगल पर्सन, इन्होंने किसी को अपने नीचे नहीं लगाया, ये अकेले माइनिंग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इनको शायद दिक्कत हो कॉइन लेने के लिए, क्योंकि इनका सिक्योरिटी सर्कल इतना सॉलिड नहीं है।
सिक्योरिटी सर्कल जो है वो सॉलिड होना चाहिए, ताकि अगर आप क्या करो, जब आपने कॉइन माइनिंग करनी है, तो मैं बार बार कहता हूं, अगर खुद की माइनिंग करते हो तो कम से कम अपने परिवार के लोगों को जो है वो नीचे लगाओ, ताकि आपका सिक्योरिटी सर्कल मजबूत हो। कहते हैं कि तकरीबन सिक्योरिटी सर्कल में 4-5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके ट्रस्ट वर्दी हो, जिनका माइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी माइनिंग इफेक्ट ना हो। सिंगल पर्सन थे पाइनियर, 3 दिन बाद जब इनका रोल अनलॉक हुआ पाइनियर का, तो इनको 0.20 पाई पर आवर के हिसाब से पैसे आने शुरू हुए। इनका खुद का रोल कंट्रीब्यूटर का ओपन हुआ तो 0.4 पाई पर आवर के हिसाब से आने शुरू हुए, और जिन्होंने इनको इनवाइट किया था उससे इनको 0.60 पाई पर आवर के हिसाब से आने शुरू हुए। तो इनकी क्या है, करंट माइनिंग 0.30 के हिसाब से चल रही है, और इन्होंने क्या किया, अभी तक मात्र 396 कॉइन जो है इकट्ठे किए हैं 3 महीने में। आप देख सकते हैं कि इनका जो है कितना पुअर नेटवर्क है, इसी वजह से क्या हुआ, ये नहीं आगे बढ़ पाए। अभी एक बार ये दूसरा आप एक बार एग्जांपल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे है, खुद का इनको पाइनियर के 0.20 पाई पर आवर के हिसाब से मिले, कंट्रीब्यूटर के 0.20 पाई के हिसाब से मिले। अब इनके नीचे 97 पाइनियर हैं, 97 लोग इन्होंने अपने नीचे लगाए हैं, उनसे 97 में से 47 एक्टिव दिखा रहा है जो अभी माइनिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो 51 लोग थे, ये सारे अगर सिक्योरिटी सर्कल में लगे होते और जो माइनिंग बंद कर दी, तो इनका भी इफेक्ट होता, इनको भी दिक्कत आती। पाई की खासियत ये है कि ये जो लोग हैं, अब पाई को क्या पता ये 51 लोग थे, कंप्यूटर थे या कोई रोबोट थे जिन्होंने माइनिंग बंद कर दी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, अपना सिक्योरिटी सर्कल जो है वो जितना ज्यादा लगाओगे उतना आपको फायदा होगा। और अब आप देखिए 47 से इनको 4.61 पाई पर आवर के हिसाब से इनकी माइनिंग के पैसे अलग से आ रहे हैं, तो इनको तकरीबन 5 पाई से ज्यादा घंटे के, मतलब 1 घंटे के 5 पाई और 24 घंटे के 120 पाई जो है इनको इसमें मुनाफा हो रहा है। और इनके काइन देखिए, मात्र 15 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया और इनके काइन बन गए 1573, और कंटिन्यूस अभी माइनिंग चल रही है। तो मैं इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि आपने क्या करना है, आप सिक्योरिटी सर्कल को बढ़ाओ। 3 दिन बाद आपका कंट्रीब्यूटर का रोल ओपन होगा, आपने जब वो ओपन होगा तो आपने क्या करना है, उसमें लोगों को ऐड करना है। आप किन लोगों को ऐड कर सकते हो, उन लोगों को ऐड कर सकते हो जिनको आप जानते हो। करने को तो आपने 100, 200, 500 लोग कर दिए, मेरे नीचे इस वक्त 500 लोग पड़े हैं जो माइनिंग ही नहीं कर रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर 1500 से 500 नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो मैंने 5 लोग बनाए हैं, जो मेरा सिक्योरिटी सर्कल है, वो मेरे परिवार के लोग हैं, वो मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है, मेरा बेटा है, हम 5 लोग 6-7 लोग मैंने जो लगाए हैं, ये मैंने अपनी फैमिली के लगाए हैं, क्योंकि मुझे पता है ये फैमिली वाले ना धोखा देंगे ना इनके बंद होंगे। ऐसे ही आप क्या है, सबसे पहले अपनी फैमिली के लोग लगाइए जो आप लोग नहीं कर रहे। आप मल्टीपल क्वेश्चंस मुझसे पूछते हो लेकिन आप वीडियो पूरा नहीं देखते, कम से कम वीडियो पूरा देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। हर वीडियो में टाइम लगा के बना रहा हूं, आपके लिए बना रहा हूं। आप दौड़ते हुए देखोगे ना, इवन जो पुराने लोग जो माइनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। इसीलिए आप जो है अपने सिक्योरिटी सर्कल को बढ़ाओ, अच्छी तरह इंक्रीज करो, अच्छे लोगों को उसमें लगाओ, कोशिश करो कि वो अपनी माइनिंग बंद ना करें। अगर 10-20 लोग आपने लगा दिए तो आप अच्छे खासे कॉइन इकट्ठे कर लोगे, और इसकी वैल्यू मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, आप जो है डिटेल्ड में जो है वीडियो में देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसी के साथ दोस्तों, अब आपको ये मैंने बता दिया, यहां पे ये मैं आपसे वीडियो जो है खत्म करने की आपसे परमिशन चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद।